सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल टैटू अलर्ट टॉक्स. दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त राहुल वेंकट फ्रॉम इंक्वल टैटू स्टूडियो मुंबई. सो आज का जो व्लॉग का शुरुआत हम पूरा देसी स्टाइल में करने वाले हैं. देसी स्टाइल मैंने हम जाने वाले हैं नदी में एंड वहाँ पे हम आज नहाने वाले हैं. सो नदी पे फटक से मैं आपको लेके चलता हूँ. यहाँ से वो जो एक आधे किलोमीटर में ही नदी है सो वहाँ पे लेके चलता हूँ एंड मज़े करते हैं आज. सो गाइस अभी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग चालू है. आप देख सकते हो रास्ता खाली एक गाड़ी का पाथवे का ही है एंड अपना वेंटो यहाँ पे चल रहा है. बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. सो अभी आपको जल्दी से लेके चलता हूँ नदी के पास एंड वहाँ का नज़ारा बता दूँ. इधर से घुमाई सर गाड़ी को रिवर्स. सो गाइज अभी एक पॉइंट पे हमें गाड़ी खड़ाना पड़ा एंड सब लोग नदी के पास चल के जा रहे हैं. सुबह सुबह वॉकिंग भी हो रहा है, सन बेदिंग भी हो रहा है एंड आगे जाके नदी में बेदिंग होने वाला है. या आप इधर राइट में देख सकते हो पूरा गन्ने का खेती है. यहाँ पे एक पपाया का झाड़ भी है जिसमें पूरा पपाया लगे हुए है. जाने का टाइम चाहिए तो एक पपाया लेके चलते हैं. गन्ने के खेत के बीच में ही है एंड काफ़ी लंबा चलना पड़ रहा है गाड़ी जहाँ से पार्क किए वहाँ से. बट आई होप जो नज़ारा रहने वाला है वो प्राइसलेस रहने वाला है. आप देख सकते हो पूरा एज वाइज बच्चे बड़े पूरे ऐसे लाइन से चल रहा है यहाँ पे हाइट वाइज भी. सो फाइनली हम नदी पहुँच गए एंड यही वो नदी है जिस पे हम आज नहाने वाले. सो चलते हैं अंदर एंड यहाँ पे हमारा और एक पार्टनर भी है जो हमको अकंपनी करते हुए आया है. जा उसको और थोड़ा सा उसको ये कर. उसको स्विमिंग नहीं आता लगते. अरे वो टेंशन में आ रहा है. सो गाइस फाइनली अभी हम लोग नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं एंड मेरा आउटफिट एक्चुअली मैंने प्लान करके नहीं आया था. बहुत सडन प्लान बना था फिर भी कोई नहीं करना तो है हमें. सो गाइस अभी फाइनली स्विमिंग ख़त्म करने के बाद हम घर के पास चलते हुए जा रहे हैं. एक्चुअली गाड़ी जैसा कि हम लोग ने एक पॉइंट तक लगाया वहाँ पे चल के जा रहे हैं एंड देन वहाँ से गाड़ी से घर पे जाएंगे. आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग नदी में गए थे तो अचानक से एक पॉइंट ऐसा आया जिधर मेरा पैर खिसक गया. थोड़ा सा डीप वाटर्स में मैं गया था एंड मैं लिटरली डूबने ही वाला था एंड मेरे सब जो दोस्त लोग इधर के सब लोग आए मुझे बचाने के लिए एंड लकीली एक फ़िशरमैन था वहाँ पे जो स्वीट वाटर फिशर्स को लेक में फिशिंग कर रहे थे तो उनका जो ट्यूब था वो ट्यूब पकड़ के मैं ऊपर आ पाया. सो बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था. अभी चलते हैं घर पे थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं. अभी नदी से नहा के आने के बाद मैं वापस घर आ चुका हूँ एंड मेरे साथ यहाँ पे पीयूष है. पीयूष जो है मेरा फ्रेंड का बेटा है. सो पीयूष अभी उनका जो ऑर्गेनिक गार्डन है उसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी देंगे क्योंकि मैं बाहर आया था तो पूछा पीयूष को कि ये कौन सा झाड़ है तो वो बता रहा था.
सो अभी चलते हैं, देखते हैं कौन से ऑर्गेनिक ट्रीज यहाँ पे है। सो पीयूष बता अभी। ये आलू का जो आलू वड़ी का जो बनाते हैं। आलू वड़ी का ये हम क्या पनीर, पालक पनीर बनाते हैं उसका। हाँ पालक पनीर। ये कौन सा झाड़ है? बैंगन। ये बैंगन है। कौन सा कलर का बैंगन है वो? पर्पल कलर। पर्पल, उसमें तीन कलर या दो कलर आता है ना? व्हाइट कलर का भी रहता है। व्हाइट कलर का आता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ये गांव की है, ये बहुत इतना इतना बड़ा होता है। अच्छा। और ये बटाटा है। अच्छा ये बटाटा है। हाँ ये बटाटा है, हमने ऐसे लगाया है। रामफल। हाँ। ये फूल है क्या? हाँ। नहीं फूल नहीं, ये फल होता है। अच्छा। हाँ। ये पीली शेवंती है, दिखता है ना तो झेंडू दिखता है। अच्छा। ये पीली शेवंती है और ये भी पीली शेवंती है, वो बड़ी होती है। ओके। और ये तुलसी का झाड़ है। कैक्टस जैसा दिख रहा है। हाँ कैक्टस जैसे दिखता है वो। और इधर ये हरबरा। हाँ। अच्छा जो खाते है ऐसा छोटा सा। हाँ। ये एक गवारी। गवारी कली निकाला। अच्छा कली निकाला। हाँ। और वहाँ पे सब एलोवेरा का झाड़ है। हाँ। और क्या क्या है? और ये मूंग दाल, ये बड़ा बड़ा है ना। हाँ मूंग दाल। मूंग दाल जो ये बड़े बड़ा है वो मूंग दाल है। अच्छा वो जब सूखता है तभी उसको बी आती है। अच्छा ये सनफ्लावर का झाड़ है, अभी पूरा सूखा हुआ है। और ये मटकी है सब इधर, ये जो ऐसी पाने वाली है ना वो सब मटकी है। पर ये लीजा ने सब खराब कर डाला, हमारी कुत्ती लीजा उनका डॉग है गाइस। और ये ही आलू वड़ी और ये सफेद हलर। अच्छा वाइट हल्दी का प्लांट है ये। गिरीश भाई मेरे को कल बता रहे थे वाइट हल्दी का प्लांट आप लेके जाओ, एंड बहुत मेडिसिनल भी है बोलते हैं ना। हाँ। और यहाँ पे पीछे भी पूरा ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पपाया का झाड़ है जो इतने एक 10 फीट के हाइट में ही फ्लावरिंग दे रहे। यहाँ पे पीछे वो सब गन्ना है ना? नहीं, शुगर केन है ना। गन्ना। दांत के लिए अच्छा होते हो। दांत के लिए? हाँ, उसका जूस नहीं ऐसे ही खाने का तोड़कर। अच्छा पीयूष आप कौन से स्टैंडर्ड में हो अभी? सेकंड स्टैंडर्ड। सो थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक यू हमको इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। ये अभी हम लोग चांडोली से एग्जिट कर रहे हैं। व्यू का मजा लेना आप, नारियल के पेड़ भी है बीचों बीच। एंड वो जो सामने जो गाड़ी है वो हमारे दोस्त की गाड़ी है, तो वो गाड़ी को हम अभी फॉलो कर रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग भीमा शंकर जाने के रास्ते में खड़की नाम का एक गांव में रुके हुए हैं, एंड मेरा दोस्त का गाड़ी यहाँ पे है, मेरा गाड़ी यहाँ पे है। एंड हमारे पीछे आप देख सकते हो एक आलीशान किला जो बहुत ही जूना ज़माने का राजा का बनाया हुआ किला है, तो वहाँ पे चलते हैं एंड देखते हैं कि किला कैसा बनाया हुआ है। सो ये रहा वो राजवाड़ा, बहुत ही एक बड़ा एंड जूना ज़माने का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है।
आप एंट्रेंस देख सकते हो, पूरा जो वर्क है वो भी पूरा ओल्ड स्कूल है एंड स्टोन स्ट्रक्चर्स है। सो गाइज यहाँ से भीमाशंकर 68 किलोमीटर्स है हमें। सो गाइज ऑन द वे ये कात्रज दूध सेंटर दिखा था तो मैं स्टॉप किया और थोड़ा सा लस्सी का शॉपिंग किया ऑन द वे के लिए, थोड़ा सा यू नो रिफ्रेशिंग लगेगा। सो गाइज ऑन द वे मैंने फूल का माला भी पिकअप किया यहाँ से, क्योंकि मंदिर के उधर मेरे को लगता है भीड़ होगा तो यहाँ से ही माला पिकअप करके चलते हैं। गाइज वी आर एट अ टेम्पल ऑन द वे टू भीमाशंकर एंड ये मंदिर का नाम है तपनेश्वर मंदिर। यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि शिवा स्वयं ये मंदिर में आए थे एंड ये मंदिर में तप करने के लिए बैठे थे जब भीमाशंकर से नीचे उतरे थे तब। अब मंदिर का पूरा व्यू देखो एंड ये साइड में कुंड भी है। मैं सोचा कि रुक के मैं आपको शूट करके बताता हूँ। ये मंदिर का नाम है तपनेश्वर मंदिर। ये ऑन द वे टू भीमाशंकर है। I feel very blessed to come visit this mandir where swayam Shiva Bhagwan ne ruk ke tap kiye the. So bahut hi ek positive and beautiful sa mandir hai ye Tapneshwar mandir. Ye jo kund hai mera piche ye bhi bahut hi zyada beautiful lag raha hai. Thoda sa construction ka work chal raha hai yahan pe. सो गाइज अभी हम लोग बस 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भीमाशंकर। सो नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स में हम भीमाशंकर पहुंच जाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हो मैं पूरा खिड़की खोल के रखा हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे फ्रेश एयर मिले, बट येट मैं मास्क पहना हूँ क्योंकि यहाँ पे सब लोग पहने हैं इसीलिए। सो आई होप आप लोग को पूरा जो भीमाशंकर का जो मेरा आज का व्लॉग है वो आप पूरा मज़े ले रहे हो एंड पूरा जो ज़मीन इधर पे दिख रहा है दोनों बाजू पे खेती दोनों अल्टीमेटम है, मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जो फार्म लैंड है वो कितने तो किलोमीटर्स से कंटिन्यूस हम लोग को अलग अलग तरीके का फार्म लैंड दिख रहा है। सो आई होप कैमरा हैज़ डन जस्टिस एंड आप लोगों को पूरा वर्चुअल ट्रिप का आनंद मैं दे पा रहा हूँ। अभी चलते हैं आगे। गाइस ऑन द वे ये शुगर केन का हार्वेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऐसे वे कट करके लाइन से रख रहे हैं, फिर यहाँ से फिर एक ट्रैक्टर आएगा और पूरा भर के लेके जाएगा। ये पूरा अभी फॉरेस्ट लैंड है अभी। This view
ये व्यू के लिए ही यहाँ पे मैं एक सेकेंड स्टॉप करके वीडियो निकाल रहा हूँ। पहाड़ देखो यहाँ पे सामने पूरा। एंड ये जो गाड़ी वाले हैं, ये यूपी का गाड़ी वाले हैं, ये इन्होंने अभी हम लोग को हाथ बताया था। एक्चुअली इनका गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल गाड़ी है, तो वो हाथ बताए तो हम लोग रुके और इसी बहाने मैं बोला एक फुटेज बता देता हूँ। एंड इनको हमने गाइड किया कि आगे किधर फ्यूल मिलेगा। सो अभी यहाँ से चलते हैं। Guys, check out the dam in front of me. It's a very big dam onto my right hand side. Left or right hand? Left. From here we have to take a left. So guys, just now I got caught by the traffic cops over here, and actually they didn't ask for my papers and all, but the only thing that they asked me is, do you know कितना fine आपके गाड़ी में बचा हुआ है? तो मेरे गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा you know pending fines है, मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। So एक amount of 400 rupees मैंने digitally उनको pay किया, जो मेरे पेंडिंग फाइन से माइनस हो जाएगा। सो उसके वजह से उन्होंने मुझे जाने दे दिया। एंड उन्होंने पूछे भी कि अभी आप दर्शन देने को जा रहे हो क्या? सो यस, मैं उनको बोला कि हाँ मंदिर जा रहे हैं। सो इट वाज बेटर दैट मैं लीगली उनको जो फाइन है वो पे करके मेरा जो पेंडिंग इससे कम कर दूँ। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एडेड फाइन नहीं लगाया मेरे पे, तो कोई नहीं। सो अभी अपना सफ़र चालू है, ऑलमोस्ट अभी पहुंचने वाले हैं भीमा शंकर। आई होप आपको ये पूरा घाट सेक्शन का मज़ा आ रहा है वीडियो का। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। फाइनली हम लोग भीमा शंकर पहुँच गए। एंड ये जो बंदर है यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क्ड है, ये जो बंदर है ये हमारा फूल का बैग के पीछे यू नो झपट मार रहा है, ये सोच के कुछ खाने के लिए। सो ये है वो पार्किंग लॉट। अगर आप गाड़ी से आओगे तो आपको आपका गाड़ी यहाँ पे लगाना होगा। ऐसे तरीके का बसेस भी नीचे से आते हैं ऊपर। आखिर में इसने कर ही दिया, मतलब इसको लगा कुछ खाने का आइटम है तो उसने, ये बंदर ने पूरा छीन लिया और पूरा हमारा माला अलग अलग हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो टुकड़े में हो गए। नया माला खरीदते हैं अभी। सो गाइज, ये मंदिर का जाने का मेन मार्केट एरिया है, इसके पास करके ही वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मंदिर आता है। ये सब जो पूजा के
सामग्री है आप ले सकते हो यहाँ पे, एंड अमृतुल्य चाय भी है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड भीमा शंकर। ओम नमः शिवाय। चेक आउट द बोर्ड, भीमा शंकर। सो गाइस फाइनली पहुंच गया वो भीमा शंकर। एंड कैसा लग रहा है पूरा आपको मेरा ये अटायर? ऐसा लग रहा हो ना कि प्रॉपर शिवा का मंदिर में दर्शन लेने को आया हो। सो अभी स्टेप्स से नीचे जा रहे हैं हम लोग। भाई साहब यहाँ पे तो देखो कितने सारे बंदर है, लाइन से बंदर दिख रहा है। हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ पे। एंड यहाँ से नीचे हमें और उतर के जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे डोली सिस्टम भी है। गाइस देयर इज सम कंस्ट्रक्शन हैपनिंग ओवर हियर एंड दिस इज द भीमा शंकर टेम्पल। इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी, ज़्यादा गर्दी नहीं है। सभी चलते हैं अंदर, हम दर्शन देते हैं। यहाँ पे मंदिर के सामने एक जड़ी बूटी का भी स्टोर है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जड़ी बूटी मिलते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स। सो गाइस ये मेन एंट्रेंस है, हमें यहाँ से जाना है। ये पूरा मंदिर है भीमा शंकर का। सो चलते हैं अंदर, दर्शन देते हैं। सो गाइस आई हैड अ वेरी नाइस दर्शन दिस टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ भी भीड़ नहीं था, एकदम खाली था। एंड मेरे को प्रसाद भी मिला, बेल का पत्ता एंड दो फूल जो भगवान के ही उधर से मैंने डायरेक्ट चरण से डायरेक्ट लिया। बहुत अच्छा दर्शन हो गया। एंड भीमा शंकर का जो ट्रिप था हमारा वो बहुत सक्सेस हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। वो सो गाइस फाइनली दिस कम्स टू द एंड ऑफ आर भीमा शंकर व्लॉग। एंड मेरे साथ यहाँ पे धनुष भी है। धनुष का नाम मैं स्टार्टिंग में गलत ले रहा था, पीयूष पीयूष बोल रहा था, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं वो व्लॉग को इसीलिए एडिट नहीं किया बिकॉज इतना नेचुरल था और धनुष ने इतना अच्छे से मेरे को उसका पूरा ऑर्गेनिक उनका फार्म का पूरा नॉलेज दिया कि मुझे लगा कि नेक्स्ट टेक की कोई ज़रूरत नहीं है, यही सिंगल टेक ही यूज़ करेंगे। सो वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। धनुष क्या बोलता है? हाँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा और स्टिकर। सो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड चैनल पे नए हो तो वो जो लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिखाई दे रहा है वो सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना। एंड साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहला आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड हाँ हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। धनुष हैप्पी दिवाली बोलना सब लोग। हैप्पी दिवाली गाइस, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं आपको आपको मिलेगा कोई एक स्टोर में, किराना दुकान में मिलता है यहाँ से 5-10 किलोमीटर।